दोस्तों, मैं अभिषेक यादव रेवाड़ी हरियाणा से आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आपने पता था कि हमारे बिजली इलेक्ट्रिसिटी का काम कम हो रहा था, कल और शाम को कंप्लीट हो गया था। मैं उसकी डिटेल बताता हूँ आपको। ये हमारा 100 एम्पियर का चेंज ओवर बॉक्स है। इसके अंदर मेन लाइट और इलेक्ट्रिक जनरेटर की जो लाइट होती है उसको आपस में चेंज करने के लिए होता है। 3 फेज कनेक्शन है। चेंज ओवर से हमारे पास इस एमसीबी बॉक्स के अंदर आता है। एमसीबी बॉक्स में पहली ये 4 एमसीबी है। ये 63 एम्पियर की 4 पोल एसी के लिए है। ये डीपी है 32 एम्पियर की। ये हमारे हर एक लाइट कनेक्शन जो ट्यूब लाइट वगैरह उसके लिए है। ये एमसीबी लेफ्ट साइड की ट्यूबलाइट की, ये राइट साइड की और ये आउट साइड की। एक बॉक्स हमने यहाँ पे दिया है स्विच का और प्लग का। एक ट्यूबलाइट यहाँ पे है। चार ट्यूबलाइट हमने ऊपर लगवाई है। ये 20 वाट की सिस्का की और 2 फुट की जो ट्यूबलाइट होती है वो है। 4 ऊपर 3 नीचे। एक हमने बीच में लगवाई है और इसी तरह राइट हैंड साइड में भी 4 ऊपर और 3 नीचे। 2 ट्यूबलाइट हमने छत के ऊपर लगवाई बीचों बीच। यहाँ पे हमने एक स्विच बोर्ड दिया है 2 सॉकेट 2 स्विच का। कभी इन फ्यूचर कुछ ऐसा यहाँ से हमें सप्लाई देनी पड़े उसी पर्पज से। ये राइट हैंड साइड की गैलरी है। एक स्विच बोर्ड यहाँ पे है लास्ट में। यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड के अंदर ह्यूमिडिफायर रखा जाएगा, उसका जो पावर सप्लाई होगी वो इसी स्विच से हो जाएगी। नीचे हमने वाइट सीमेंट करा दिया ताकि थोड़ी सी मजबूती बनी रहे और साफ़ सफाई अच्छे से हो सके। कुछ गंदगी हो तो उसको हम इजीली देख सकें और साफ़ सफाई कर सकें। इसी तरह की डिटेल वीडियो और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पे ऊपर टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट डालता रहूँगा अपने फार्म की, जो भी कुछ नई अपडेट होगी। कंपोस्ट रखना, स्पॉनिंग करना, केसिंग, हर चीज़ की आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगी, वो भी डिटेल वीडियो। और कोई भी आपकी क्वेरी हो कमेंट के अंदर डालिए, मैं आपको एक वीडियो बना के आपको हर चीज़ की डिटेल जानकारी दे दूँगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।